Good morning, student. Today we will start BCom Part 2 EAFM paper 1. अपना टॉपिक है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है. फंड जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसमें कैश और नॉन कैश दोनों ही ट्रांजैक्शन अपने को नोट करने होते हैं. अपने को ध्यान ये रखना होता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शन आएगा तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन में अपने को विशेषकर जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि एक नॉन करंट अकाउंट हो और एक करंट अकाउंट हो. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी आप एंट्री करके देखिए, एक अकाउंट करंट हो एक नॉन करंट हो तो वो ट्रांजैक्शन आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है. और जिस ट्रांजैक्शन में दोनों ही अकाउंट करंट के हैं या दोनों ही अकाउंट नॉन करंट के हैं वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने बिल्डिंग परचेस की और ठीक है 10,000 के बिल्डिंग परचेस की, क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट दिया तो कैश, तो बिल्डिंग क्या है? नॉन करंट अकाउंट है. ठीक है, बिल्डिंग और कैश है वो करंट अकाउंट है. ठीक है, एक ट्रांजेक्शन है बिल्डिंग परचेज किया आपने, बिल्डिंग अकाउंट दिया तो कैश, तो बिल्डिंग का जो अकाउंट है नॉन करंट है और कैश का जो अकाउंट है वो करंट है. मीन्स फंड फ्लो स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखा जाएगा. ठीक है, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, मशीन परचेज की और पेमेंट इक्विटी शेयर से किया तो मशीन अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो जो मशीन है मशीनरी है वो कौन सा अकाउंट है? नॉन करंट अकाउंट. ठीक है, और इक्विटी शेयर कैपिटल है ये भी नॉन करंट अकाउंट. इसका मतलब ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों ही नॉन करंट अकाउंट है, इसलिए ट्रांजेक्शन आपको फंड फ्लो में नहीं लिखना है क्योंकि ये फंड फ्लो को इफेक्ट नहीं करता, ये इफेक्ट करता. ठीक है, तो कहने का मतलब आप पूछे ना कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, क्या कैश ट्रांजेक्शन ही आते हैं? तो आपको कैश भी आते हैं नॉन कैश भी आते हैं. एक ट्रांजेक्शन में आपको पता है टू अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना प्रत्येक ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट इफेक्ट होते हैं? दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं. वो दो अकाउंट में एक करंट हो एक नॉन करंट हो. ठीक है, अब करंट एक नॉन करंट में आप ये नहीं बोला कि एक असेट्स और एक लायबिलिटी, दोनों असेट्स हो सकते हैं दोनों लायबिलिटीज हो सकते हैं, बट ये हो कि एक करंट हो और एक नॉन करंट हो वो फंड फ्लो स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है. समझ में आ गया ना, ये विशेषकर अपने को ध्यान में रखना है प्रत्येक ट्रांजेक्शन. देखिए आप अपनी बुक से एग्जाम्पल क्वेश्चन करिए, मैं भी आपको जो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट करा रहा हूँ ये अलग राइट की जो है वो उससे आपकी तैयारी के लिए करवा रहा हूँ. यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो आपकी बुक में है वो भी आप आसानी से कर सकते हो. मैं जो ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये एग्जाम में आए क्वेश्चन है, इसलिए इनको भी आपको करना है. ठीक है, और आपके पास बुक है एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन के लिए, इसी टाइप के लिए क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है. इतनी आपकी हेल्प होगी कि भाई एग्जाम में आए हैं तो बाई चांस रिपीट होते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं. ठीक है, यस, इसी में हम स्टार्ट करते हैं नया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ. और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए. अपने पास बैलेंस शीट है, द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड कंपनी ऑन 31st मार्च. अपने पास राम एंड कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है 2 ईयर. ठीक है, सबको पता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में अपने पास जो बैलेंस शीट होगी वो 2 ईयर की होगी. ठीक है, तो 2 ईयर की अपने पास बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए और लायबिलिटी साइड में लिखना स्टार्ट करिए. अब इस बैलेंस शीट में इसने लायबिलिटीज में फर्स्ट लिखा है क्रेडिटर्स,
क्रिएटर्स लिखे हुए हैं 37,400 और 42,000। ये दो ट्रांजैक्शन अपने को दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स के बाद अपने पास पी एंड एल अकाउंट है 20,000, 30,000, 20,000, 40,000, 20,000 और 30,000 या 30,000। ये पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस है। इसके बाद लिखिए आप 9% डिवेंचर, 9% जो डिवेंचर है लास्ट के में लिख दीजिए नील, और करंट में है 20,000। ठीक है, लास्ट में इसने नहीं लिखे हैं वहाँ नहीं लिख देना, और करंट में लिख देना 20,000। फिर लिखिए जनरल रिजर्व 10,000, 15,000। जनरल रिजर्व में लिखने हैं 10,000 और 15,000। इसके बाद है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 और उधर है 1,30,000। इस प्रकार से इनका टोटल दे रखा है 1,57,400, 1,57,400 और उधर है 2,37,000, 2,37,000। ठीक है भाई, ये लाइबिलिटी साइड में अपने को जो आइटम दे रखे थे वो है, आपने नोट किया बैलेंस क्या है, नॉन करंट अकाउंट पहले लिखे हैं, सॉरी करंट अकाउंट और नॉन करंट बाद में लिखे हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है इक्विटी शेयर्स के डिवेंचर ये लिखे जाते हैं, इसमें इसने रिवर्स कर रखा है, उल्टा कर रखा है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस सिचुएशन में दे रखी है, इसको अपने को कोई चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ से अमाउंट देखना है। ठीक है, असेट्स में लिखी बैंक, असेट्स में बैंक है 4,000, 5,000, डेटर्स है 36,000, 36,000 और 39,000, 36,000, 39,000। फिर स्टॉक है 22,000 और 26,000, 22,000, 26,000। फिक्स एसेट्स है 93,400, 93,400 और उधर है 1,66,000 और ओपनिंग एक्सपेंसेस के रूप में अपने पास है 2,000 और 1,000। ठीक है, ये डिटेल अपने पास है। अब नीचे लिखिए आप बैलेंस शीट का टोटल, वही 157,437 ये अपनी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के बाद स्टूडेंट आप नीचे लिखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लिखिए डेप्रिसिएशन राइट ऑफ, फिक्स एसेट वाज रुपीज 23,400, फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन है 23,400, सेकंड पॉइंट है डिविडेंड ऑफ रुपीज 20,000 वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, डिविडेंड ऑफ रुपीज 20,000 वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब नीचे लिखा है इसने प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड ए फंड फ्लो स्टेटमेंट, अपने को कहा है कि आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है और फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। ये अपने पास डिटेल है, इस डिटेल से क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान दिया है एग्जाम में भी। तो फर्स्ट अपने को क्या करना होता है सभी को पता है, ये रिपीट करता हूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना होता है। ये वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन की जाती है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इसमें
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ध्यान निरंतर काम दिया जाता है। इसके बाद अकाउंट्स के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स के लिए करते हैं। इसके बाद लास्ट अकाउंट्स है, उसका नाम है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट या रजिस्टर्ड पी एंड एल अकाउंट। और लास्ट में अपना होता है फंड फॉलो स्टेप, ठीक है। इस स्टेप से ही हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को अपने को देखना है स्टूडेंट। तो आपके पास बैलेंस शीट आपने भी क्रिएट किया वो देखिए, उसमें अपन देखते हैं करंट एसेट्स में अपने पास बैंक, डेटर्स और स्टॉक, ये तीन करंट एसेट्स है स्टूडेंट। और करंट लायबिलिटीज की हम बात करें तो करंट लायबिलिटीज के रूप में लायबिलिटी साइड में अपने पास ओनली क्रेडिटर्स है जो करंट लायबिलिटीज में अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो इनकी हेल्प से अपन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तैयार करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, स्टार्ट। लेटेस्ट इशू कर देते हैं इसको, ये लास्ट ईयर और ये करंट ईयर भी देते हैं। इंग्लिश यहाँ एक और देते हैं, एक और अब जो करंट एसेट्स है उसमें मैंने आपको बताया बैंक डेटर्स और स्टॉक है, तो यहाँ लिखते हैं बैंक डेटर्स और स्टॉक। बैंक डेटर्स और स्टॉक ये है अपने पास। बैंक की हम बात करें तो 4,000 5,000 इसका तो इंक्रीज है, यहाँ लिखते हैं हमारे 1,000, ठीक है। डेटर्स की बात करें ये है 36,000 39,000 ये इंक्रीज है 3,000, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट है स्टॉक 22 और 26 22,000 26,000 और 4,000 से ये इंक्रीज है, यहाँ पे ठीक है। और नहीं है तो यहाँ लिखेंगे नहीं टोटल ठीक है। बी पॉइंट लिख देते हैं, बी पॉइंट करंट लायबिलिटीज टोटल ए कर देते हैं। इनका टोटल एक होगा 62,000 और ये हो गया सर, ठीक है। इनका टोटल इंक्रीज का हम क्या करते हैं लास्ट में टोटल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्रेडिटर्स है ओनली, तो क्रेडिटर्स लिखते हैं
क्रिएटर्स क्रिएटर्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है तो अपने को कहाँ लिखना है, डिक्रीज में लिखना है, ठीक है, इंक्रीज है तो अपने को डिक्रीज में लिखना है, समझ आ गई ना। अब ये इसमें एक कैरेक्टर में फिर इसका टोटल अपने कितने ही 37,142,000 टोटल थ्री, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ए इस वन बी इस वन, इसी प्रकार से ए और ए बी, तो ए माइनस बी एवरी ईयर का करेंगे अपन, प्रत्येक वर्ष का, ये वर्किंग कैपिटल है 24,600 और उसमें 28,000, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ कितना अंतर है वो लिखेंगे, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है 3,400, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 3,400, ये 28,000, ये 28,000, ठीक है। तो ये आप कर दीजिए, अब इनका भी टोटल कर दीजिए, ये जो है इंक्रीज, तो ये डिक्रीज वाले में है नहीं ना, अब इनका भी आप टोटल कर देना, इक्वल आएगा, ये आप नोट करिए। तो देखिए ये फर्स्ट अपना पॉइंट है स्टेटमेंट, ये आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसमें से ही आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी पता है, तो इस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, कोई चेंजेस इसमें नहीं किया जाता है। इसका जो रिजल्ट है ये इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये ही अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट में ले जाना है, ठीक है। ये देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंक्रीज डिक्रीज है, ये आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ जो अंतरा है इंक्रीज है तो ये डिक्रीज में सेम अमाउंट अंतर है, डिफरेंस जो आएगा ना इंक्रीज डिक्रीज के लास्ट में नंबर खोल के, तो यहाँ जो आपका इंक्रीज है तो ये डिक्रीज में अंतर आएगा, इधर मैंने लिखा है, और यहाँ डिक्रीज अंतर करना तो ये इंक्रीज में जाएगा, और ये दोनों टोटल जो है इंक्रीज और डिक्रीज वाला कॉलम इक्वल रहे, समझ आ गया ना, इसी अंतर से ये विशेष कर ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट अपना जो काम है वो अकाउंट्स क्रिएट करने का है, फिक्स एसेट्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन अपने को नीचे दे रखे हैं कि डेप्रिसिएशन आपने फिक्स एसेट्स का कितना राइट ऑफ किए हैं वो अपने को दिए ना, इसलिए अपने को क्या करना है, फिक्स एसेट्स का अकाउंट क्रिएट करना है,
है, इसमें अपने को बोलेगा नहीं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करो, फिक्स इसका करके, या जो भी अकाउंट है उसके बारे में अपने को नीचे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उन ट्रांजेक्शन की हेल्प से ही आपको ये काम करना होगा। अपने को ये बताएगा नहीं कि अपने को क्या करना है, ठीक है, अकाउंट कौन सी क्रिएट करने। तो अपन स्टार्ट करते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट। देखो फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो होता है इसे टू बैलेंस बिजी, ठीक है, डेप्रिसिएशन सी आर में कहते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस है इसका वो लिख देते अपन, ये है फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 93,400। और बाय में कहेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो अपने क्वेश्चन में दे रखे हैं वो लिखते हैं। ये है डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये पी एन एल में ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए यहाँ देखते हैं पी एन एल 30,400। इसके बाद वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ देख देते हैं भाई बैलेंस सीधे फिक्स एसेट्स का जो बैलेंस है क्लोजिंग वो अपन यहाँ नोट करेंगे 1,66,000। और यहाँ टोटल करना है, ये टोटल यहाँ पुट करना है, और यहाँ जो डिफरेंस आता है उसको क्या लिखते हैं टू बैंक जी बैंक अकाउंट, यह अंतर आएगा अपना, और इसको क्या लिखता हूँ परचेज, ठीक है, नोट करिए ये अंतर, देखिए कितना है, इनका टोटल आएगा 1,89,400, ठीक है। अब इनका टोटल करने के बाद जो अंतर है वो 96,000। डी आर में अंतर है, इसका मतलब परचेज किया है आपकी हेल्प के लिए, लिखा है मैंने परचेज इसलिए लिखा है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप क्रिएट करोगे तो ये ट्रांजेक्शन वहाँ आपको पुट करना है, परचेज किया है तो एप्लीकेशन साइड में, सोर्स है तो पर सोल्ड किया है तो सोर्स साइड में, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी आप चाहो तो एक लाइन का डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, डेप्रिसिएशन जो आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग है ना, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट पेमेंट में लिखा था, कैसे आता है तो फिक्स एसेट्स 30,400 और बाय एंडल अकाउंट, बंद कर दिया इस अकाउंट को 23,400 इस प्रकार से, ठीक है, इसलिए मैंने आपको वहीं पर लिख दिया था। डेप्रिसिएशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, ये स्टूडेंट पी एंडल से बंद किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक ही अकाउंट है, लास्ट अकाउंट है वो अपना रजिस्टर्ड पी एंडल अकाउंट है, वो स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्ड पी एंडल अकाउंट। देखिए अपन फ्लो स्टेटमेंट में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, फर्स्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है उसी स्टेप से चलेंगे, 5-10 क्वेश्चन आप करिए तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका और आपको समझ में आएगा कि ये, ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ आता ना वो अपन देखते हैं कि वैसे ही जो फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था वैसे हमने सेकंड में किया है, वो ही स्टेप्स किए हैं, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो एक स्टेप से आपको पता है कि भाई इस तरीके से कैलकुलेट करना है तो आप इजी वे कर सकते हो। तो नेक्स्ट अकाउंट अपना
डिजिटल मिलता है CR by balance CD का जो ओपनिंग है वो अपन देख के लिखेंगे ये है 20,000 अब अलग ट्रांजेक्शन शो नहीं आते हैं ये कहता है कि डिविडेंड पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डरों को तो डिविडेंड पेमेंट करना है तो पीएनएल से चार्ज किया जाता है तो टू में लिख देते टू पे डिविडेंड ठीक है तो ठीक है और जनरल रिजर्व का अंदर देखिए वो रहा है ऊपर ना जनरल रिजर्व में लास्ट ईयर के रेट में जो अंतर है ना वो राइट ऑफ किए 5,000 से वो भी आपने राइट ऑफ किए हैं 1,000 से ओपनिंग एक्सपेंस चाहिए इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है क्लोजिंग बैलेंस है ये अंदर का क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 यहाँ लिखते हैं अब इसके बाद में आपको ये टोटल यहाँ खुद करते हैं नोट करिए स्टूडेंट टोटल है ये सीआर में पुट करिए और अंतर देखिए बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो अंतर है वो 59,400 का है 59,400 इस प्रकार से इसका जो रिजल्ट है फंड फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया आपको बैलेंस में सॉरी बैलेंस क्या फंड फ्रॉम ऑपरेशन में फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको लिखना है ठीक है फंड फ्रॉम ऑपरेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको पुट करना है सोर्स में तो ये आप नोट करिए और उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट क्रिएट करिए सोर्स ऑफ फंड्स अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और अमाउंट देखिए ये प्राइमरी कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल आसान है अपने को वैल्यू पुट करनी है जो कैलकुलेशन है वो सभी में लिख के टोटल इक्वल करने हैं तो आप और बट तैयार कर चुके हो तो मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ आप नोट करना सोर्स ऑफ फंड में लिखो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आप अपने बैलेंस शीट देखिए वहाँ पर लास्ट ईयर करंट ईयर में कितना इंक्रीज है वो देखिए 40,000 है ना तो 40,000 लिख दीजिए लिखिए इश्यू ऑफ डिवेंचर में भी आप बैलेंस शीट में देखिए लास्ट ईयर नहीं था अब है इसका अगर इंक्रीज है 20,000 से तो 20,000 लिख दीजिए फिर लिख दीजिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन दिस वन 59,400 लिख दिया अभी चलिए अब आप एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में लिखिए डिविडेंड पे दिस वन 20,000 ठीक है यहाँ जो लिखा जाता ना वही इसके बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 96,000
फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट क्रिएट किया था ना वहाँ अंतर आया था 96,000, वहाँ मैंने परचेज लिखा था ना वो यहाँ पुट करना है 96,000। और एक लिख दीजिए इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल जो अपने फर्स्ट पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया था वो लिखना है इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। तो इस प्रकार से आप सोर्स का और एप्लीकेशन साइड का टोटल कर लीजिए इक्वल है और इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।